बॉलीवुड अभिनेत्री रेखा को लेकर शत्रुघ्न सिन्हा का वो स्टेटमेंट काफ़ी तेज़ी से वायरल हुआ, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा ने रेखा के साथ हुए अपने झगड़े के बारे में खुलकर बात कही। रेखा के साथ हुए झगड़े पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि इस बात में कोई शक नहीं है कि रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा ये दो नाम कभी एक दूसरे से बहुत झगड़े किया करते थे। ये तब की बात है जब बॉलीवुड डायरेक्टर, फिल्म मेकर, एक्टर, प्रोड्यूसर राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग के लिए रेखा की शूटिंग के लिए चर्चा हो रही थी और इस फिल्म को लेकर किसी बात से जुड़ी चर्चा हुई और शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा के बीच क्लैशेस हुए। शत्रुघ्न की ही गलती, शत्रुघ्न ने कही। शत्रुघ्न ने खुद कहा कि हाँ, वो मानते हैं उनकी ही गलती है। रेखा ने इस बात को कभी भी तुल नहीं दिया और ना ही उस झगड़े को लेकर कभी भी अपने मन में खटास रखा। उस कोल्ड बार का अगर आज अंत हुआ है तो इसलिए क्योंकि रेखा ने इतने समय के बावजूद कभी भी शत्रुघ्न सिन्हा को अपना दुश्मन नहीं माना और ना ही गलत नज़र से इस रिश्ते को देखा। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि आज अगर उनका झगड़ा रेखा के साथ ख़त्म हो चुका है तो उसके पीछे कारण उनकी पत्नी पूनम सिन्हा है, क्योंकि पूनम सिन्हा ने शत्रुघ्न और रेखा के झगड़े के बावजूद कभी भी रेखा से अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी और इस कोल्ड वार का अंत हुआ। आज भले ही रेखा और शत्रुघ्न एक दूसरे के अच्छे दोस्त नहीं, लेकिन ये बहुत कंफर्टेबल एक दूसरे से मिलने में और कोई भी गिला शिकवा मन में नहीं है, ये शत्रुघ्न ने खुद ही एक इंटरव्यू में कहा था। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।